जुल्म सहने वाला कोई अहिंसक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह फ्लिपकार्ट से परचेजिंग करते हैं तो आपके पास भी मेरी तरह फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स जरूर होंगे। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स को यूज़ करके आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बात की है, यदि आपके पास में फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स हैं उनके साथ में आप डिस्काउंटेड प्राइस में किस तरीके से सोनी लिव, साथ में ही G5 का, साथ में ही आल्ट बालाजी, ऐसी 38 एप्लीकेशंस जिनका OTT एप्लीकेशंस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक महीने के लिए। साथ में ही आप 350 प्लस जो TV चैनल्स हैं उनको लाइव देख सकते हैं दो डिवाइस में, अपने मोबाइल और साथ में ही चाहे तो अपनी कोई स्मार्ट एंड्रॉयड TV या फिर कोई दूसरे मोबाइल में। तो दोस्तों, यदि आपके पास में फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स हैं तो आप फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स के साथ में 99 रुपीज पे करके एक महीने के लिए ये सारी OTT एप्लीकेशंस का, साथ में ही 350 प्लस लाइव TV चैनल्स का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, कैसे इस ऑफर को आपको एक्टिवेट करना है इस वीडियो में हमने बताया है, तो वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ में ही दोस्तों, ये एक ईयरली सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है जिसमें आपको मंथली पे करना पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो 1 मंथ बाद इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। किस तरीके से सारी प्रोसेस करनी है, कैसे डीएक्टिवेट भी करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अपनी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और जब आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको प्लस मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें फ्लिपकार्ट का सुपर कॉइन वाला कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सुपर कॉइन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। फिर से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस तरीके से कुछ सुपर कॉइन्स से रिलेटेड ऑफर्स दिख जाएंगे OTT एप्लीकेशन के, जिसमें आपको ये G5 वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप G5 वाले इस ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 38 प्लस OTT ऐप वाला ₹99 वाला जो ऑफर प्लान है, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली ₹69 में, जो कि आप नीचे की तरफ देख सकते G5 का। अगर आपको G5 का ये प्लान एक्टिवेट करना है तो इससे रिलेटेड वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम 5 सुपर कॉइंस के साथ में ये वाला जो 99 वाला ऑफर है इसको क्लेम करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ क्लेम नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें इसमें एक कूपन कोड मिल जाएगा। उस कूपन कोड को हमें एप्लीकेशन में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो हमारा ऑफर है वो हमें कम प्राइस में मिलेगा, मतलब कि ₹99 में मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये OTT प्ले नाम की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और देन वहां पे जो हमारी ये वाला कोड है इसको हम कॉपी करके और वहां पे पेस्ट करेंगे। दोस्तों, OTT प्ले का ये वाला जो प्लान है ये एक्चुअली में ₹299 का है, लेकिन ये जो ऑफर है या फिर हमने जो सुपर कॉइन्स का यूज किया है इसके लिए हमें ये ₹99 का पड़ रहा है। इसके बाद में अगर आपको बाद में फिर से इसे एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको ₹299 पे करने पड़ेंगे एक मंथ के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर पे जाके OTT प्ले नाम की ये एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपके पास में एक OTP आएगा और आपका मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा आप साइन इन हो जाएंगे इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको अपनी वॉचिंग प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेनी है, या आप चाहें तो एक नई प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको ऊपर की तरफ में प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन पे जाना है। सब्सक्रिप्शन में नीचे की तरफ आपको ये 299 वाला सब्सक्रिप्शन प्लान दिख रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इस वाले प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको आपने जो फ्लिपकार्ट में वहाँ पे वाउचर कोड या कूपन कोड लिया था उसको यहाँ से कॉपी करके और अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई कोड वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे
और जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो आपका कोड है या वाउचर है वो अप्लाई हो गया है और आपको इतना डिस्काउंट मिल गया है और 99 रुपीज़ में अभी आप ये वाला जो प्लान है उसको एक महीने के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों बस यहाँ से आपका जो ऐप है वो आपके पेमेंट सेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी UPI सेलेक्ट करके या फिर नेट बैंकिंग जहाँ से भी आपको पेमेंट करनी है वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। बस दोस्तों ध्यान रखें कि अगर मान लो आपको एक महीने के बाद ये वाला प्लान आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो आप अपने UPI में या जहाँ से आपने पेमेंट किया था वहाँ से मैंडेट को या फिर अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दें ताकि आपका अगले महीने से ऑटोमेटिक पेमेंट डिडक्ट ना हो। और दोस्तों बस पेमेंट होते ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप सारे OTT ऐप और TV चैनल्स को देख पाएंगे। साथ में ही आप अपनी TV में अगर चाहें तो इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत सारे लाइव TV चैनल आपको मिल जाएंगे और साथ में ही OTT एप्लीकेशन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आपको इसको अपनी TV में एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको अपनी TV में OTT प्ले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और साथ में आपको अपने मोबाइल में प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे वहां पे तो एक्टिवेट TV का आपको ऑप्शन दिखेगा। एक्टिवेट TV वाले ऑप्शन पर जाके आपको एक कोड डालना पड़ेगा। जब आपकी जो TV की एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो उसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे जो कोड दिख रहा है इस तरीके से आपको अपनी TV में वो कोड दिखेगा। उसको आपको अपने मोबाइल में एक्टिवेट TV वाले ऑप्शन में डाल देना है और जैसे ही आप डाल के और एक्टिवेट TV क्लिक करेंगे तो आपके सेम सब्सक्रिप्शन से आपके मोबाइल के साथ साथ आपकी TV पे भी ये सारी एप्लीकेशन और लाइव TV चैनल आप देख पाएंगे।